जाते हैं, कई जाते हैं, कई हिट होते हैं तो कई हिट होने के बाद गुमनाम हो जाते हैं। वही 80 के दशक में इतनी सारी अभिनेत्रियां आई थी और हम लोगों का दिल भी जीता था। बता दें 80 के दशक की जितनी भी अभिनेत्रियां थी वो बेहद ही खूबसूरत थी और उनकी एक्टिंग स्किल्स एक से बढ़कर एक थी। लेकिन इन्होंने पहली फिल्म से हमेशा हिट किया, आज जी रही है गुमनामी की जिंदगी। कई तो है दर्दनाक हालातों में, कई कहां है कोई जानता भी नहीं। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेक्स्ट नाइट न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका हूं। तो आज इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 80 के दशक की उन अभिनेत्रियों के बारे में जो जी रही है गुमनामी की जिंदगी, जिनको पहचान पाना है बहुत ही ज्यादा मुश्किल। आप ये तस्वीरें देखेंगे तो शायद हैरान रह जाएंगे। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 80 के दशक में कई पॉपुलर अभिनेत्रियां, कई जिन्होंने अपनी खूबसूरती और दमदार अदाकारी के दम पर फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमाया, कई टॉप स्टार्स के साथ हिट फिल्मों में जोड़ी जमाई और लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन वक्त के साथ साथ इनका जादू फीका पड़ता गया। धीरे धीरे इनको फिल्में मिलने बंद हो गई, इनको रोल मिलने कम हो गए। अब आलम यह है कि 80 के दौर की ये अभिनेत्रियां पर्दे से गायब हो चुकी हैं, कुछ तो गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं, वहीं कुछ की तो हालत ऐसी है जो देखने लायक नहीं है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत हुआ करती थी लेकिन अब उनको पहचान पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। चलिए आपको बताते हैं इन 10 पॉपुलर एक्ट्रेस के बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम है किमी काटकर का। किमी काटकर कभी बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन थी, उन्हें जुम्मा चुम्मा गर्ल कहा जाता था। इसके अलावा वो टार्जन गर्ल के नाम से भी मशहूर रही। लेकिन किमी को बॉलीवुड के काम करने का तरीका कभी पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। किमी ने पुणे के फोटोग्राफर और एड फिल्म निर्माता शांतनु शौरी से शादी की। किमी काटकर अब अपने पति शांतनु और बेटे सिद्धार्थ के साथ पुणे में रहती है और खुश है। लेकिन अगर आप इनको पहचानने की कोशिश करेंगे तो ये पहचान में तो बिल्कुल नहीं आएंगी। वहीं बात करते हैं अनीता राज की। 80 के दशक में अनीता राज के चर्चे आम थे, उस दौर में वो बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस थी। धर्मेंद्र, मिथुन, जितेंद्र, राजेश खन्ना, अनिल कपूर समेत कई एक्ट्रेस के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन धीरे धीरे अनीता राज का करियर भी ढलान की तरफ बढ़ता चला गया। फिलहाल अनीता कलर्स चैनल के पॉपुलर सीरियल छोटी सरदारनी में सरपंच कुलवंत कौर के रोल में दिखाई देती है। लेकिन आपको बता दें अनीता फिटनेस फ्रीक है, जैसी वो पहली थी उतनी खूबसूरत अब तो नहीं, लेकिन अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखती है। वहीं बात करें मंदाकिनी की, 56 ईयर की हो चुकी है मंदाकिनी, अब पूरी तरह से पर्दे से गायब हो चुकी है। 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मंदाकिनी रातों रात मशहूर हुई थी। झरने के नीचे सफेद साड़ी में नहाने का शॉट देखकर ये चर्चा में छाई थी। बॉलीवुड में मंदाकिनी का करियर छोटा और काफी विवादों से भरा रहा। उनका नाम दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ा। फिल्मों से अलग होने के बाद उन्होंने 1995 में एक बुद्धिस्ट संत काग्योर रिनपोंचे के साथ शादी रचाई और फिलहाल वो मुंबई में एक तिब्बती हर्बल सेंटर चलाती है। साथ ही मंदाकिनी लोगों को तिब्बती योगा सिखाती है। मंदाकिनी अब बौद्ध धर्म अपना चुकी है, लेकिन पहले की तरह खूबसूरत है लेकिन पहले की तरह हॉट नहीं है। वहीं बात करें अमृता सिंह की, 80 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में अमृता सिंह का नाम शामिल था। अमृता ने फिल्म बेताब से बॉलीवुड में कदम रखा था और देखते ही देखते टॉप पर पहुंच गई थी। उन्होंने सैफ अली खान से शादी करने के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। हालांकि बाद में अमृता सिंह ने कमबैक भी किया, लेकिन वो पहले जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। वहीं अब अमृता काम से ब्रेक ले चुकी हैं
उन्हें अक्सर अपने बच्चों के साथ हैंग आउट करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन अमृता पहले जैसी खूबसूरत नहीं है। वहीं बात करें जया प्रदा की, फिल्म मवाली, तोहफा, शराबी औलाद, सरगम और माँ जैसे यादगार फिल्में देने के बाद बॉलीवुड में जया प्रदा का नाम का डंका बजता था, लेकिन अब जया प्रदा भी फिल्मी दुनिया से दूर है और राजनीति की दुनिया में अपना नाम कमा रही है। वहीं बात करें पूनम ढिल्लन की, डायरेक्टर यश चोपड़ा की खोज पूनम ढिल्लन 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रही है। अपने फिल्मी करियर में 90 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली पूनम फैमिली लाइफ में व्यस्त होने के बाद समय समय पर फिल्मों से ब्रेक लेती रही है और कुछ सालों के अंतराल के बाद वापसी कम बैक करती रही। 2018 में वो एकता कपूर के सीरियल दिल ही तो है में नजर आई थी। 2020 में पूनम फिल्म जय मम्मी दी में दिखी। 2019 में उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली है। पूनम अब बीजेपी से जुड़ चुकी है, वो फिलहाल मुंबई बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट है। वहीं बात करें मीनाक्षी शेषाद्री की, बॉलीवुड की दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री ने शादी के बाद ही फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। 1995 में मीनाक्षी ने इन्वेस्टमेंट बैंकर इनसे न्यूयॉर्क में शादी की थी और हरीश के साथ वहीं शिफ्ट हो गई थी। फिलहाल मीनाक्षी टेक्सास के प्लानो शहर में रहती है और अपना एक डांस स्कूल चलाती है। वहीं बात करें पद्मिनी कोल्हापुरे की, बतौर बाल कलाकार फिल्मी करियर शुरू करने वाली पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी 80 के दौर में लीड हीरोइन के तौर पर खूब नाम कमाया था, लेकिन धीरे धीरे पद्मिनी भी पर्दे से गायब हो गई। हालांकि पद्मिनी अब फिल्मों में कमबैक कर चुकी है। वो फिल्म पानीपत में गोपिका बाई के रोल में दिखाई दी थी। वहीं बात करें फरहा नास की, बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू की बड़ी बहन फरहा नास 80 के दशक में जानी मानी अभिनेत्री थी। 80 के दशक में फरहा ने कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जिनमें राजेश खन्ना के साथ ऋषि कपूर, संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मिथुन गोविंदा, सनी देओल और आमिर खान के नाम शामिल है। लेकिन 90 के दशक के आखिरी सालों में उन्हें काम मिलना बंद हो गया और अब वो पूरी तरह से गुमनामी के अंधेरे में जी रही हैं। जी हाँ, कई अच्छी अच्छी पोजीशन में है, आधे से ज्यादा आपको बता दें राजनीति में है, वहीं कुछ गायब और कुछ ने तो अपनी हालत ऐसी बना ली है कि शायद उन्हें कोई पहचान भी ना पाए। जी हाँ, उनमें से मीनाक्षी शेषाद्री वो भी है, निम्मी भी है, ये सारी अभिनेत्रियों को पहचान पाना मुश्किल है। लेकिन आपको बता दे अपने समय पर सबका दिल जीतने वाली ये अभिनेत्रियां टॉप टॉप सुपरस्टार्स की हीरोइन रह चुकी हैं। इसी के साथ जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।